मध्य प्रदेश के स्कूली शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने आज 5वीं और 8वीं के बोर्ड की परीक्षा के परिणाम ऑनलाइन घोषित कर दिए हैं, जहां अलग अलग वेबसाइट पर सोमवार 1 बजे के बाद सही रिजल्ट देखने लग गए हैं। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश में 5वीं और 8वीं के लाखों विद्यार्थी परीक्षा में पेपर हल करने बैठे थे। वहीं इंदौर की यदि बात की जाए तो करीब 90,000 बच्चों ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मध्य प्रदेश के अंतर्गत होने वाली परीक्षा में भाग लिया था। मीडिया खबरों की माने तो 76% 8वीं का परिणाम और 82.27% 5वीं कक्षा के बच्चों का सफल परिणाम रहा। वहीं बीते वर्ष की तुलना में इस वर्ष परिणाम में लगभग 2-3% की गिरावट बताई जा रही है। वहीं इस बार भी लड़कों की तुलना में लड़कियों ने बाजी मारी है। जिला शिक्षा अधिकारी मंगेश व्यास की माने तो वह आज जनसुनवाई में व्यस्त रहे, जहां वह 5वीं 8वीं के परीक्षा परिणाम का एनालिसिस कर पाए। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि आज 5वीं और 8वीं के रिजल्ट घोषित किए जाने थे, जिसमें दोपहर 12:30 बजे माननीय मंत्री जी के द्वारा कक्षा 8वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। आज चूंकि सोमवार रहता है और जन सुनवाई में हम लोग थे, तो क्या पूरे मध्य प्रदेश का रहा है, इंदौर की क्या स्थिति है, उसकी अभी हम लोगों ने एनालिसिस नहीं की है। बशर्ते हम लोग ये कहेंगे कि कक्षा 1 से 8 तक राइट टू एजुकेशन लागू होता है। ऐसे में और जब यहाँ पर मूल्यांकन हुआ था, दोनों स्थिति को देख के कहते हैं कि परीक्षा परिणाम जो प्री कोविड की स्थिति में थे, ठीक उसी अनुसार होंगे। काफ़ी अच्छे रिजल्ट इस बार मध्य प्रदेश के और इंदौर जिले के रहने की अब आशा है।